और हजरत दाता लंगबख्श बहाउद्दीन सिकरिया और फैज अहमद फैज को दी। ये हमारी तारीख का हिस्सा है और इकबाल की जो फलसफा है वो आज भी उसी तरह जिंदा है जैसे पहले था। किताब और तहजीब मुआशरती तार को बेहतर बनाती है, ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन दूसरी जो बात आपने की किताब का हमारी मुआशरती इदार के ऊपर भी एक गहरा असर पड़ता है। सही। जैसे मैडम ने थोड़ी देर पहले बात की कि वो अकवाम जो किताब के नजदीक है वहाँ बेसिकली किताब की जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे पहले अगर हम देखें थोड़ा सा और तारीख को दूर लेके जाते हैं, तमाम इल्हामी मजाहिब जो हैं उनके लिए किताब होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर किताब की इम्पोर्टेंस है तो अल्लाह ताला ने भी इल्म के जरिया जो पहुंचाने का जरिया बनाया है वो किताब को ही बनाया है। बिल्कुल ऐसे ही। चले आम किताबों की बीनी तो हम छोड़ दें, वो किताब जो खास और खास इंसानियत की फलाह के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए और उतारी गई, उस किताब को हमने गिलाफ में बंद करके अपनी अलमारियों की जीनत बना रखा है। और पहले तो हमने इसको तारीख के पर्सपेक्टिव में देखा, अब किताब को हम अगर रूहानी पर्सपेक्टिव में देखें, वो लोग जो सुबह उस किताब की तलावत करते हैं, उस किताब की कुछ आयात को पढ़ते हैं, यकीन जानिए हुमा आपको एक ऐसा सुकून मिलेगा, बेशक ऐसे एक रूहानी ठहराव मिलेगा, बिल्कुल, कि आप खुद फील करेंगे कि सुबह आपका आगाज अगर उस किताब की रीडिंग से हो रहा है, बेशक ऐसे, और उसके बाद फिर आप शाम को एक लाइट सी दिलचस्प सा नावल, एक दिलचस्प सी कोई अपने एरिया से रिलेटेड कोई बुक्स पढ़ लें, और उसको अपने बेड की थोड़ी सी जीनत बना लें साइड टेबल की, और एक या आधा पेज पढ़ लें, तो मेरे ख्याल में इतना सस्ता तफरी का जरिया जितना किताब है और कोई चीज नहीं हो सकती। बहुत खूबसूरत बात जी। हां, इसी को कंटिन्यू करते हैं हम, मिजाज पे किस तरह से जो है वो असर अंदाज होती है बुक रीडिंग, और किस तरह से हम कह सकते हैं कि जहनी कैफियत को हम चेंज करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम तहम्मुल मिजाजी को अपनाएं, अपने मिजाज में ठहराव लेकर आए, तो हमने बुक रीडिंग करनी है, इसको थोड़ा सा अलग देख लीजिएगा। मैं इन्हीं की बात से इतफाक करूंगी कि जो बुक का प्रोसेस है वो बुक रीडिंग, अब जैसे आजकल जो दौर आ गया टेक्नोलॉजी का उसमें आप बहुत सारी चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल दी गई कि हम फिजिकली जब एक्सरसाइजेस करते हैं तो हम फिजिकली फिट रहते हैं, मेंटल एक्सरसाइज के लिए हमें बुक रीडिंग। यार मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो प्रॉपर एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, हम उस प्रोसेस से गुजरते हैं। ऐसे नहीं होता कि हम एक काम कर रहे हैं साथ सोचते हैं कि एक दो पेजेस पढ़ लेते हैं, पूरा प्रोसेस बनाते हैं, क्योंकि आपको ब्रेन को प्रिपेयर करना पड़ता है तभी वो फायदे लेता है। ये कोई ड्रामा से भी नहीं होता कि हम फोरन से 10 काम भी कर लिए टीवी भी देख लिया, आपको प्रॉपर उसके लिए एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, जो कि हम एक स्क्रीन के ऊपर अगर हम इतने सेल्फ मेड हैं तो दैट्स गुड, कितने लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आगे जा रहे हैं, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद ठहराव के जहाँ तक आपने बात की, आप उस प्रोसेस को जितना फर्म तरीके से फॉलो करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी पर्सनालिटी में ठहराव आएगा। आप बुक रीडिंग के थ्रू उसमें जितनी इन्वॉल्वमेंट करते हैं, उसके करेक्टर्स को रीड करते हैं, आप एक ही बुक को सर्टेन टाइम पीरियड लेके चलते हैं और फिर उसको प्रॉपर इन्वॉल्व होकर पढ़ते हैं, उससे आपके अंदर बहुत सारे, अगर आप एक बुक के लिए 3-4 बुक्स को इकट्ठे लेके चल रहे हैं तो वो ठहराव आपके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना कि बस बुक पढ़ ली, चाहे 3-4 पढ़ ली तो हमारे अंदर ये सब चीजें क्वालिटी आए नहीं, आपको वो प्रोसेस कंप्लीट करना है। आपको पहले पता होना चाहिए कि मैं किताब क्यों पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, क्योंकि अगर आपको उस चीज का आइडिया ही नहीं है तो फिर इस चीज का भी फायदा नहीं है जो जिस चीज के लिए आप पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ एक एक इंफॉर्मेशन है, वो नॉलेज नहीं है। नॉलेज के लिए आपको पहले ब्रेन को उस प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, आपको सिलेक्शन रखनी पड़ती है, और आपको मेंटली प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट चले 5 मिनट 10 मिनट, आपको जितना भी डिवाइड करना है अपने डेली एक्टिविटीज के हिसाब से, उसके थ्रू जब आप प्लान करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी के ऊपर पड़ना शुरू होता है। ऐसी चीजों को अगर आप प्रॉपर चीजों से फॉलो नहीं करते तो उसका इम्पैक्ट उलट हो जाता है। और एक और चीज है कि स्टोरी टेलिंग, मेटाफर्स, ये सर्टेन एज में, जैसे अक्सर बच्चों को मजहब की कहानियां सोने से पहले आयात कुछ पेरेंट्स सुनाते या बुक कोई भी खुद पढ़ के भी सुनाते, ऐसे उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म जाता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आपको नॉलेज आती है, क्योंकि नॉलेज ही मेन सोर्स है
बुक रीडिंग के थ्रू, और वो सिर्फ ये नहीं है कि आप खुद पढ़ रहे हैं, आप दूसरे को किस तरह से पढ़ा रहे हैं या गाइड कर रहे हैं. अक्सर जो देख नहीं सकते लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनका विजन जो अफेक्ट है, उनको अक्सर बुक रीडिंग के थ्रू आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं. तो आप किस कितनी तसल्ली के साथ, कितने कॉन्सेंट्रेशन के साथ उस चीज को फ्लो में लेके जा रहे हैं, ये मैटर करता है. हम थोड़ा अफरा तफरी के दौर में आ गए, हमें होता है कि एक दिन में इतनी इतनी चीजें हम अचीव कर लें, इतना टाइम नहीं है कि हम कोई बुक उठाएं और उसको पढ़ें और फिर उसको समझें कि उसके अंदर क्या लिखा है. कितना पढ़ा ये मैटर नहीं करता, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है कि आपने जितना पढ़ा है उससे कितना सीखा है, उसको अप्लाई कितना किया है. प्रैक्टिकली भी हम रोक देते हैं, जितनी चीजें आप पढ़ते हैं, जितना आप वो जो इलम है बगैर अमल के बेकार है. बिल्कुल, अगर आप अपने इलम को इस्तेमाल नहीं करते या दूसरे को नहीं सिखाते तो वो इलम आपका बेकार है, क्योंकि आप उसको रिटेन नहीं कर सकते. वो आपको हो सकता है किसी एग्जाम पॉइंट पे याद आ जाए कि मैंने फलान चीज पढ़ी थी, वो सिर्फ एक आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर याद आ सकती है. जो नॉलेज है उसको आपने अप्लाई करना होता है, क्योंकि नॉलेज हम लेते ही किस लिए है, हमारे अंदर शऊर आए, हमारे अंदर कॉन्शियस लेवल पे हम चीजों को करना शुरू करें, तहजीब आए हमारे अंदर. वो सिर्फ ये नहीं है कि हम बस पढ़ रहे हैं या किसी की स्टोरी हमने पढ़ ली, उसने सीखा क्या है, ये चीज मैटर कर रही होती है जो हम स्किप कर रहे होते हैं. तो आजकल की जनरेशन के जो कॉन्सेप्ट है बहुत जरूरी है कि हम उनको सिखाएं, उनको बताएं कि बुक रीडिंग का एक्चुअल पर्पस क्या है और किस तरह से उसको इंफॉर्मेशन. जब हम बच्चों के हवाले से बात करते हैं कि हम उनकी बेहतरीन तरबियत करना चाहते हैं, तो ऐसे में बुक रीडिंग के जो आदत है उनके अंदर अगर हम डेवलप करेंगे तो यकीनन उनकी जहनी कैफियत बेहतर होगी, जहनी नशोनुमा में हेल्पफुल होगी. बात ऐसा ही है. और बच्चों का एक तो कॉन्टेंट आपको बहुत देखना पड़ता है. आजकल हम फेरी टेल्स बच्चों को बहुत दिखाते हैं और सुनाते भी हैं, बहुत सारी फेरी टेल्स बुक्स रखी हुई होती हैं हमने. अगर वही हम शिफ्ट कर दें अपने रिलीजियस बुक्स के साथ भी, हम उससे हम उसको इग्नोर या डिनाई नहीं कर सकते. और बहुत सारे ऐसे कंटेंट रखें जो उनको कॉन्सेप्ट शेयर करें. हमने ये पर्पस नहीं रखना कि हमने बच्चे को बस बुक रीडिंग पे लाना है. मेटाफर्स के थ्रू तो हम पर्सनालिटी को भी चेंज करवाते हैं, कितने करेक्टरिस्टिक्स बच्चों के अंदर चेंज करवाते हैं, डेवलप करवाते हैं. जो आप ट्रेड जिस पे ईमानदारी के ऊपर बात करें वो डेवलप कराना चाह रहे हैं, तो आप उसको कॉन्सेप्ट से शुरू करें बुक के थ्रू, डिफरेंट इवेंट्स के थ्रू, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के थ्रू. किताबों में तजर्बे होते हैं. बिल्कुल, अगर फिक्शन और नॉन फिक्शन से थोड़ा हट जाए तो किताबें हमें बहुत सारे जिंदगी के तजर्बे रियलिटीज को इंट्रोड्यूस कराती हैं. शायद बच्चा खुद फेस करने से पहले ही अंडरस्टैंड कर जाए, उसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है. बिल्कुल, लेकिन वही वाली बात है कि आप कंटेंट क्या पढ़ रहे हैं और बच्चे को क्या दे रही हैं, ये बहुत मैटर कर रहा होता है. यहाँ पे जिम्मेदारियां आती हैं वालिदैन की और साथ-साथ के नाम की. आसिफ साहब ने थोड़ी देर पहले सुमेरा एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि किताब जो है वो तफरी का बेहतरीन जरिया है. और एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में 2019 में बहुत सारे जो है लोगों ने ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की, सिनेमा जाने के बजाय वो लाइब्रेरी गए. तो इस कल्चर को अगर हम अडॉप्ट करें तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमारे माशरे में? हुमा, इसके तो बहुत फ़ायदे हैं. एक तो ये कि आप बहुत सारे लोग मिलकर एक माशरा बनाते हैं, और जितने अच्छे पढ़े लिखे और आप कहेंगे वेल एजुकेटेड लोग होंगे, वो एक अच्छा माशरा जो है उसी को तश्कील दे सकते हैं. हाँ, अगर हम ये कहते हैं लाइब्रेरी का कल्चर आम हो जाए तो मेरा ख्याल है कि हर बंदा ही जो है ना उसकी जो है एक ब्रॉट अप होगा, उसका एक माशरे में एक अलहदा ही मकाम होगा, किरदार भी होगा. और दूसरा, हमें ये बच्चों के अंदर हैबिट्स डेवलप करनी पड़ती है. हैबिट्स एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आप अन इंटेंशनली उसको ऑक्यूपाइड करते हैं. ठीक, ऐसा नहीं है एकदम से कर दिया. ठीक है, एक रिसर्च है, कुछ रिसर्च कहते हैं कि 60 दिनों में होती है, कुछ कहते हैं 20 दिनों में हैबिट्स डेवलप होती है. लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहती है कि विद इन 2 मिनट्स हैबिट डेवलप हो जाती है आपकी, अगर आप करना चाहें. लेकिन उसके लिए यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल. आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, यू कैन डू इट. जहां तक बच्चों की बात है तो उनको हमें गाइड करना पड़ता है. ठीक है, वो बिल्कुल एक आप कह लें कि ब्लैंक पेपर की तरह है, उस पर आप कुछ भी लिखते हैं. आपने उनकी तरबियत करनी है. जैसे सर ने बहुत अच्छी बात की कि तरबियत हमने अपनी तालीम और तरबियत दोनों में बहुत ज्यादा गैप डाल दी है. ये दोनों एक साथ है. जितनी तालीम जरूरी है उतनी ही आपकी तरबियत भी जरूरी है. बिल्कुल, आप तालीम को कहते हैं आपका एकेडमिक नॉलेज, जो कि आपको आपकी लिविंग जो है उसको इम्प्रूव करता है, बेटर करता है. ठीक, दूसरा आप कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, जो कि आपकी लाइफ को इम्प्रूव करता है. वह आपका डिग्री लेके लोग आगे तो चले जाते हैं, लेकिन अगर वो एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते
तो वो मेरा नहीं ख्याल कि उस डिग्री का जो है वो आपको कोई फायदा हो। बिल्कुल, तो तालीम का मकसद सिर्फ आपको रोजी मुहैया करना नहीं है, उसका मकसद आपको एक अच्छा इंसान बनाना भी है। बिल्कुल ऐसे जब हम बच्चों को सिखाते हैं, हमने यहाँ पे का पढ़ाना नहीं है, हमने उनको सिखाना है। सिखाना उनको कौन सिखाएगा? बीइंग अ पेरेंट हम सिखाएंगे, से बीइंग अ टीचर, बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ मेंटर, हम उनको ये चीजें सिखाएंगे। अब उसके लिए अगर हम चाहते हैं कि बच्चे जो है हमारी चीजों को सीखे और उनको इम्प्लीमेंट भी करें, तो हुमा सबसे पहले तो हमें अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लेकर आना पड़ेगा। बिल्कुल, बिकॉज आप रोल मॉडल है। इफ आई एम टेलिंग समथिंग टू माई स्टूडेंट्स, तो दे कैन आस्क मी द क्वेश्चन, मैं भी वो काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही। अब एरिस्टोटल जो है उसने ये कहा है कि जब आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज you are going to make someone convince about it. आप book reading ऐसा नहीं है बच्चों के हाथ में पकड़ाएंगे और वो एकदम से किताब पढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको different terminologies use करनी पड़ती है। सबसे पहले जो बेहतरीन है, that is the role model. बच्चे देखते हैं, सीखते हैं, बहुत कॉपी करते हैं, और खासतौर पर अपने टीचर्स को तो बहुत ज्यादा कॉपी करते हैं। एरिस्टोटल ने कहा है कि if you want to convince someone, then you need to understand three points. The first one is आपकी ethos. Ethos, that is your credibility, your character. हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ऐसे नहीं करने दिया। उनका करैक्टर ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो जो बात कहते थे लोग उस पे यकीन करते। तो ethos के ऊपर। Second, pathos, you need to be careful about the feelings of other. आप ये नहीं है कि आप उनकी फीलिंग्स का ख्याल नहीं करें, आपने उनकी फीलिंग्स का ख्याल करेंगे तो वो आपकी जरूर सुनेंगे। The third one is the logos. Logos mean logic. Logic mean rational. आप विद द रिसर्च, जैसे सर ने कहा कि ये रिसर्च है, दैट इज द ऑथेंटिक थिंग, ठीक है, मैं इसके ऊपर आंख बंद करके बिलीव करूंगी। तो आप जब लॉजिक के साथ किसी को कन्विंस करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको आउटपुट अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल, हम बच्चों को फोर्सफुली कभी भी किताब के ऊपर कि आप किताब पढ़ें, यू हैव टू, नहीं सही, वो कभी भी नहीं। आज जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो झट से किताब उठाए बच्चों को कह दे बस ये पढ़ के खत्म कर दी है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर आदत डेवलप हो जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना होता है ना, जब भी आप किसी चीज के लिए किसी को कन्विंस करते हैं आप पहले उसके बेनिफिट्स बताएं। आप ये तो बताएं बच्चों के, बच्चों बुक्स के बेनिफिट्स क्या है। पहला बेनिफिट तो ये होता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बिकॉज आपका नॉलेज इतना इनहेंस हो जाता है। आप सीखते हैं चीजों को, कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी होती है, आप किसी भी जगह किसी भी टॉपिक के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंटली जो है वो बात कर सकते हैं, पहला ये होता है। दूसरा ये आपकी वोकैबुलरी बहुत इनहेंस हो जाती है, जो कि आपको आपकी सक्सेस में बहुत अहम रोल प्ले करती है, आपकी पर्सनैलिटी। तीसरा जो बहुत बड़ा फायदा है वो ये है कि आपकी ग्रूमिंग होती है, देखिए ना, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपकी ग्रूमिंग जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी या कॉलेज सिखाता है, सबसे पहले आपके घर में ये तरबियत का काम जो होता है वो स्टार्ट होता है। बिल्कुल, आपकी माँ, आपके इर्द गिर्द का एनवायरमेंट वो आपको बनाता भी है और बिगाड़ता, देखिए ना, ऐसे क्योंकि आपकी जो अर्ली एज होती है वो बहुत ज्यादा ऐसी एज है, सेंसिटिव पीरियड उसको हम कहते हैं, जिसमें बच्चे ऐसे होते हैं वैक्यूम की तरह, दे ऑब्जॉर्व ईच एंड एवरीथिंग, उसमें वो सीख रहे होते हैं। आप ये ना सोचे बच्चे खेल रहे हैं और वो नहीं, दे आर लिसनिंग टू यू, दे आर ऑब्जर्विंग यू, तो आपको यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल, आप तभी उनकी आदत जो है बिल्डअप कर सकते हैं। मैंने अपना स्कूल स्टार्ट किया, मैंने बहुत सारे हुमा देखा कि बड़े बड़े स्कूल सिस्टम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मॉन्टेसरी लेवल के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, मोस्टली यहाँ पर 3 साल की एज में स्कूल में आ जाते हैं। सही, मैंने देखा बड़े स्कूल सिस्टम जो कि इतने पॉपुलर हैं, इनका ऐसी क्या खास बात है? फ्रैंकली हुमा, मुझे कोई खास बात नजर नहीं है। मैंने ये सोचा कि हमारे कहाँ पे फ्लॉ कहाँ पर है, क्योंकि हम अपने सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते लेकिन हम इंडिविजुअली कोई रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने जो ऑब्जर्व किया बाहर के सिस्टम्स को, जो कि वाकई में कामयाब जो है वो एजुकेशनल सिस्टम है, उसमें बच्चों को जो है वो 7 साल की उम्र के बाद आपको करिकुलम निसाब बाकायदा तौर पर पढ़ाया जाता है। सही, उससे पहले सिर्फ आपको मुआशरे में रहना, सोशलाइज होना, अपना आप को मैनेज करना, इवन ऐसी हमारी एक्टिविटीज हैं जिसको हम एवरीडे प्रैक्टिकल लाइफ कहते हैं, उसमें यानी कि अखलाकियात पर तवज्जो दी जाती है बच्चों, अखलाकियात पर दी जाती है। और हमारा एक पूरा आपके लिए मॉड्यूल है, उसका नाम है एवरीडे प्रैक्टिकल लाइफ, जिसमें हम बच्चों को इवन हैंड वॉश करना,
उनको इवन के आप झाड़ू कैसे लगाते हैं, अच्छा। आप डस्टिंग कैसे करते हैं, आप अपने टेबल्स के ऊपर अपनी जो है वो चीजें कैसे पुट करेंगे, प्लेट्स कैसे रखेंगे, नैपकिन कैसे होल्ड करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग उनको सिखाया जाता है। मैं ये कॉन्सेप्ट अपने स्कूल में रखना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप बच्चों में वो आदत पैदा करें, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने आगे चल के एक जो है हेल्थी माशरे को जो है तश्कील देना है। बिल्कुल ऐसे तो इनकी जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात आपने की तबीयत के हवाले से। आसिफ, मैं आपसे जो है वो गुफ्तगू करना चाहूंगी टॉपिक से रिलेटेड, कि हमारे यहाँ बच्चों को, बड़ों को, नौजवानों को ये नहीं पता कि पढ़े क्या। शौक डेवलप हो जाता है कि ठीक है हम बुक रीडिंग करें, लेकिन कौन सी बुक हमारे लिए सूटेबल है, कौन से वक्त की जरूरत है, किसको पढ़ना चाहिए, किसको अभी नहीं पढ़ना चाहिए, इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई हमें गाइडलाइन नहीं देता। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा पॉइंट राइज किया है। सबसे पहले तो ये है कि जैसे मैडम ने कहा कि पहले तो किताब की आदत पढ़ दे तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर पढ़ गई है तो फिर ये डिसाइड करना कि कौन सा कॉन्टेंट्स, कौन सा मटेरियल जो है वो बच्चा पढ़े। मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन जो पहला आपकी इंस्टीट्यूशन है ना, वो मदर है। अगर आप अपनी शराफंदगी देखें, आपकी 50% से कम जो हमारी पॉपुलेशन है वो अनपढ़ है, उसमें खवातीन की तादाद ज्यादा है। उमा कोई भी कौम उस वक्त तक अपलिफ्ट नहीं हो सकती जब तक वो तालीम के जेवर से आशना ना हो जाए। और मैं ये कहूंगा कि जब तक औरत तालीम के जेवर से आशना नहीं होगी, माशरे की इकदार, माशरे की खूबसूरती और किसी भी कौम के अंदर ठहराव, शगुफ्तगी और तहमल मिजाजी नहीं आ सकती। बहुत अच्छी बात की मैडम ने, आपने बात की कि आप कॉन्टेंट्स कौन से। मैं कहता हूं कि मदर से बेहतर कोई नहीं जानता, और मदर और उसके बाद जो दूसरा सर्कल जो ये खानदान कह सकती है वो आपका लाइफ पार्टनर होता है। मौलाना रूमी ने कहा था कि मैंने उस दिन इशा देखना शुरू किया था जब मेरी मदर इस दुनिया से चली गई। उससे पहले वो जो दिखाती थी वो मैं देखता था। बड़ी खूबसूरत बात आपने की, इसी को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक के जाने पड़ा, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।